हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से, नए तरीके से, होटल जैसी दाल, रेस्टोरेंट जैसी दाल कैसे बना सकते हैं घर में आसानी से, उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो हम दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दाल बनाने के लिए ये मैंने 5 प्रकार की दाल ली है। जो भी आपको दाल पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये मैंने ली है आधी कटोरी मसूर की दाल है, ये साबुत मसूर की दाल है। ये मैंने चवले की दाल ली है, जो चवला होता है उसकी दाल है। और ये मैंने चने की दाल ली है। और ये मैंने धुली हुई मसूर की दाल ली है। और ये मैंने मूंग की दाल ली है बिना छिलके की। तो अब हमें सभी दालों को एक मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है, इसमें हम सभी दालों को डाल लेते हैं इस तरीके से। और मैंने दालों को पहले से साफ कर लिया था। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ये मैंने पानी लिया है, अब इसमें पानी डालते हैं। और दो बार हमें बिल्कुल इसको मिक्स करके इस तरीके से और साफ पानी में धोना है। जो भी अगर इसमें कोई भी मिट्टी के कंकड़ होंगे, जो भी, बिल्कुल साफ हो जाएगी हमारी दाल। वैसे तो मैंने इसको बिल्कुल साफ कर लिया है दाल को। पानी है उसको निकालेंगे और फिर से एक बार इसको, दाल को हम धोते हैं साफ पानी डाल के। तो ये मैंने दाल को बिल्कुल साफ धो लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो ये मैंने हल्का सा पानी इसमें डाल दिया है। दाल को इस तरीके से इस पानी में हम मिक्स कर लेते हैं। और इसको अब 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रखना है, जो ताकि हमारी जो दाल है बिल्कुल फूल जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल फूल चुकी है, इस तरीके से हो चुकी है। अब हमें इसको कुकर में डालना है। तो दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हमें आधा लीटर पानी डालना है, नमक डालना है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालना है आधी चम्मच, और आधी से भी कम चम्मच मिर्च पाउडर डालना है। और इसको आप बंद करके सीटी लगाएंगे, 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तो कुकर को 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। गैस मैंने ऑन कर दिया। तो कुकर में 2 से 3 सीटी आ चुकी है। अब सीटी को बिल्कुल ठंडा करना है। तो दाल हमारी पक चुकी है। तो ये मैंने लिया है मसाला दाल बनाने के लिए। तो ये मैंने 1 से 2 प्याज लिए हैं, ये मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, और ये मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, ये मैंने हरी मिर्च ली है। तो हम दाल का तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पैन लिया है और गैस मैंने ऑन कर दिए। तो कढ़ाई को हम थोड़ा सा गरम करते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। इसमें हमें 2 बड़े चम्मच घी डालना है। तो घी को हमें गरम करना है और ये बहुत ही टेस्टी दाल बनने वाली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल। तो घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले जीरा डालते हैं। हरी मिर्ची डालेंगे, प्याज डालते हैं, ये मैंने हींग लिया है, हींग भी डालते हैं। अगर हींग को आप पहले डालेंगे तो हींग हमारा जल जाएगा, इसलिए हमें बाद में डालना है हींग को। प्याज को हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है।
अब इसमें हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसमें हमें टमाटर डाल लिए हैं, जो मैंने टमाटर लिए थे इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने नमक लिया है, नमक डालते हैं। नमक मैंने पहले भी दाल में डाला था। एक चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, एक चम्मच मिर्च पाउडर डालते हैं। मिर्च पाउडर अपने थोड़ी सा आप लाल डाल सकते हैं, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं। हल्दी पाउडर डालते हैं तो सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसाले को बिल्कुल अच्छे से पका लेते हैं। तो दाल हमारी पक चुकी है, तो इसको हम देखते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है दाल। मैंने 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकाया है। तो मसाला हमारा देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। अब जो मैंने दाल लेते हैं वो दाल डालते हैं इसमें। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और इसको अब हमें 1 उबाल आने तक पकाना है। और इसमें हमें धनिया पत्ती भी डाल देना है। तो दाल में हमारी उकाल आ चुकी है, देख सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए पकाना है इस तरीके से। तो दाल हमारी तैयार है, गैस बंद करते हैं और हम इसके लिए तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। तड़का बनाते हैं दाल के लिए। तो ये मैंने भगोनी लिए तड़का लगाने के लिए। तो इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने लाल मिर्च ली है खड़ी वाली, ये डालते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर है। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है, गैस बंद करनी है। अब इसमें दाल में हमें डालना है। तो दाल मैंने निकाल लिया, तो दाल पे डालते हैं। तो हवा में हल्का सा चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो हमारी ये दाल फ्राई बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। और प्लीज़ एक बार इस तरीके से आप दाल बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।